हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब बात अगर कंस्ट्रक्शन की हो रही है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि वहाँ तो कितने सारे हैज़ार्ड्स हो सकते हैं। हर तरीके से मतलब देखा जाए तो वहाँ बहुत सारे ऐसे हैज़ार्ड्स रह सकते हैं, पर उसमें क्या है, हमें उस जगह पर सेफ्टी मेंटेन करनी है तो ही हम अपने एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कंस्ट्रक्शन पे जिनमें नियर मिस भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे जो हार्म है वो हो सकता है पीपल को। तो ऐसी चीज़ें हम क्या करें इस समय पे कि हम अपने साइट पर सेफ्टी मेंटेन करके रख सकें, क्योंकि वहाँ ऐसे बहुत से काम होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सकवेशन हो रहा है, वहाँ पे कोई भी वर्क ऐसा हो रहा है, कैरिंग लोड्स हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ जेसीबी, जेसीबी के थ्रू कोई भी काम किया जा रहा है, ठीक है। साथ में लोडिंग व्हीकल जो रहते हैं, जो एक सामान को उसमें हुक लगा रहता है, उस सामान को हुक में फंसा के फिर दूसरी जगह रखना होता है, तो वो क्या है, ऊपर से गिरने का भी डर रहता है कि जा रहा है सामान, कोई भारी सामान है गिर गया तो। ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे स्कार्फ फोल्डिंग बांधी है वो ठीक से नहीं बांधी और जो काम उस पर कर रहा था इंसान चढ़ के वो गिर गया तो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें क्या ज़रूरी है, प्रॉपर JSA मेंटेन करना और SOP के फॉलो करते हुए काम करना। अब क्या हो रहा है, जैसे ये देखिए, इस तरीके से अगर वर्क कर रहे हैं, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसको ठीक से उसमें बांधें ताकि वो गिरे ना किसी के ऊपर, क्योंकि अगर ऊंचाई से कोई सामान किसी के ऊपर गिरता है तो चोट लग सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इसका एक JSA रहता है, उसको फॉलो करके सामान को तरीके से उस पर बांधा जाए तो वो नहीं फॉल होगा वहाँ से, है ना। तो इस तरीके से हम सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं इस वर्क के लिए। देखिए कंस्ट्रक्शन की बात है तो बहुत सारे ऐसे हैज़ार्ड्स हैं, हम गिन भी नहीं सकते हैं, इस तरीके के हैज़ार्ड हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हैज़ार्ड हो सकता है, ठीक है, हाइट पर कोई वर्क कर रहा है तो उस तरीके का हैज़ार्ड हो सकता है। तो कोई अगर हाइट पर वर्क कर रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, स्काफ फोल्डिंग यूज़ कर रहा है, तो कोशिश करें कि गार्ड रेल्स लगी हों वहाँ पर, टोरल्स लगी हों, तो जिससे क्या है वो गिरने ना पाए नीचे, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी का सामान कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर है, ठीक है, अब ऐसा ना हो उसमें कट लगा हो, क्योंकि वहाँ तो पानी भी यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो ऐसा ना हो कि करंट जो है वो फ्लो होने लग जाए सभी जगह, ठीक है। वर्कर जो हैं वो हेलमेट पहने प्रॉपरली, क्योंकि हेलमेट पहनेंगे तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, अब मान लीजिए ऊपर से कोई भी सामान गिरता है, तो अगर हेलमेट पहन रखा है तो आप बहुत हद तक अपना हेड प्रोटेक्शन उससे रख सकते हैं, ठीक है। साथ ही में आप जो भी काम कर रहे हैं ग्लव्स पहन के करें, तो क्या होगा, उससे कोई भी ऐसी चीज़ आप छू रहे हैं उससे आपके हाथों को हार्म नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं एक्सकवेशन चल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए कहीं गड्ढे खोदे जा रहे हैं, तो पता रहे कि इस जगह पर गड्ढा खोदना शुरू हो रहा है, तो कोई भी व्हीकल अगर आए, जैसे मान लीजिए सामने से व्हीकल आ रहा है, गड्ढा यहाँ खोद रहा है, तो क्या होगा, पॉइजन अगर लगा होगा तो क्या होगा, वो व्हीकल वाला धीरे स्पीड में अपनी गाड़ी लेके जाएगा, पर अगर उसे पता नहीं होगा तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो क्या होगा, नहीं करेगा, ऐसा स्पीड में ले जाएगा तो हार्म तो होना ही है ना। तो जब भी एक्सकवेशन वर्क चल रहा हो तो पॉइजन लगा दे कि एक्सकवेशन वर्क यहाँ चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है, तो कोशिश करें कोई भी पर्सन आए तो उसका इंडक्शन हो, ठीक है, कोई भी अननोन पर्सन एंट्री ना करे, कोई भी व्हीकल आ रहा है तो पता रहे उसमें क्या मटेरियल आया है तभी उसकी एंट्री हो। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी कंस्ट्रक्शन साइट में। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अगर मेंटेन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट है यहाँ पर, तो कीप इट आउट, मतलब दूर ही रहें उस जगह से, ठीक है। डीप एक्सकवेशन चल रहा है तो उसका नोटिफिकेशन लगा दिया, उसका क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन लगाने से आप अपनी जगह को सेफ रख सकते हैं, ताकि लोगों को आप बता सकें कि इस तरीके का काम अभी यहाँ चल रहा है, तो प्लीज़ सेफ्टी मेंटेन रखें। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अनऑथराइज्ड पर्सनल्स जो हैं वो अलाउ नहीं होने चाहिए साइट पे, ठीक है। साइट पर आने के लिए आपके पास पास होना चाहिए, ऐसा ना हो कोई भी साइट में घुसा चला है, ठीक है। हेलमेट्स आपको वेयर करने हैं, साथ ही कोई भी विजिटर आ रहा है, कोई भी डिलीवरी करने आ रहा है, डिलीवर्स आ रहे हैं, तो उनकी एक
रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए कि आज ये लोग आए थे, ठीक है। फुट प्रोटेक्शन आपको पहनना है, एयर प्रोटेक्शन भी आपको रखना है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ग्राइंडर कटर कटिंग हो रही है या बहुत सारी मशीन्स ऐसी रहती हैं जिनकी वजह से ईयर्स को हार्म हो सकता है, तो आपको ईयर प्रोटेक्शन भी रखना है, ठीक है। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो तुरंत पहुँच जानी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें कि एक्सीडेंट्स हो ही ना पाए, इन केस अगर होता है तो कोशिश करें आपकी साइड पे फर्स्ट एड होना चाहिए, फर्स्ट एड रूम होना चाहिए, फर्स्ट एड स्टाफ होना चाहिए जो फर्स्ट एड दे सके किसी भी इंजर्ड पर्सन को, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं अपनी वर्क प्लेस पर। अब आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, सेफ्टी भी मेंटेन रहेगी साथ ही एक्सीडेंट्स कम होंगे वहाँ पर, ठीक है। अवेयरनेस रहेगी लोगों को कि यहाँ ये काम चल रहा है या ये काम हमें ऐसे करना है, खासकर इलेक्ट्रिकल वर्क अगर वहाँ आप कर रहे हैं तब आपको ध्यान देना है, साथ ही अगर हाइट पे वर्क कर रहे हैं तब भी आपको प्रॉपर बॉडी प्रोटेक्शन ले रखना है, ठीक है। हार्नेस आपको वेयर करनी है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी है, बहुत ही हाई रिस्क रहता है, बहुत सारे ऐसे हजार्ड्स रहते हैं जिनको आप रोज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही रिस्की रहता है यहाँ पे भी क्योंकि बहुत ऊंचाई पर भी वर्क किया जाता है, स्काफ फोल्डिंग्स के थ्रू वर्क किया जाता है, बहुत ही हैवी चीज़ें वहाँ रहती हैं जिन्हें आप वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सरिया हो गया एक जगह से दूसरी जगह, प्लेट्स हो गई जो सेंटिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनको आप देखें तो एनालाइज़ कर सकते हैं कि जॉब सेफ्टी एनालाइज जो रहता है जो ऐसे, तो आप एनालाइज़ कर सकते हैं और उस तरीके से अपनी SOP मेंटेन कर सकते हैं और अपना वर्क सेफली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में बताया कि आप कैसे सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर और आप कैसे सेफ रह सकते हैं और अपने एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम से कम रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, हम सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है सभी जगह पे कि आपको PPEs पहनना है। PPEs अगर आप पहनते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो बहुत हद तक आप अपनी बॉडी को सेफ रख सकते हैं। साथ ही हर छोटी चीज़, अगर आप हाइट पे वर्क कर रहे हैं तो जो उसके SOP है, जो भी वर्क परमिट आपको मिला है उसको फॉलो करें, ठीक है। वर्क परमिट जो भी काम के लिए आपको दिया जा रहा है, विदाउट वर्क परमिट उस काम को ना करें, क्योंकि वर्क परमिट जब बन जाता है तो वहाँ से बहुत हद तक जो हजार्ड रहते हैं वो मेंटेन कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, सो थैंक यू।